अस्सलाम वालेकुम नूर जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हां जी, सब लोग ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल हाल। यहां पर बात बड़े अदब और एहतराम से एक बात रखना चाहूंगी। ओके, इस लड़ाई और झगड़े को खत्म करना है या कि इसी तरह इस गंदगी और इस गलाजत को लेके चलते रहना है? एक तरफ नहीं नहीं, ये बंद करना चाहिए, बुरा बका जा रहा है, दूसरी तरफ से भी बुरा बका जा रहा है। देखें, यहाँ पे कम कोई भी नहीं है। हदीस है, अब गजुर रिजालु इंदल्लाहि वहुआ अलद्दुल खसिम। मुस्लिमा, आप इसका तर्जमा पढ़ के मुझे सुना सकती हैं? नहीं, अब गजुर रिजालु इंदल्लाहि वहुआ अलद्दुल खसिम। तर्जमा इसका यूं है कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बदतरीन इंसान वो है जो झगड़ालू है। अब हम झगड़ा कर रहे हैं, एक तरफ से झगड़ा, दूसरी तरफ से झगड़ा, बीच बचाव करने वाला कोई एक सिंगल बंदा नहीं है। दोनों तरफ से गालम गलोच का बाजार गर्म है, ठीक है? दोनों तरफ से बेहयाई बे इंतहा अरूज पे है। हम लोगों ने लोगों को सुनना छोड़ दिया। हमें तकलीफ और अजियतों से हम लोग गुजर रहे हैं। हमारी रातों की नींदें हराम आप लोगों की जुबानों की वजह से हो चुकी हैं। कोई कह रहा है किसी का उमरा कबूल नहीं, कोई कह रहा है जो नंगा बाथरूम में नहा रहा है वो वलिया है, कोई कह रहा है कि जो उमरा कर रहा है, तवाफ कर रहा है, अहराम की हालत में है, वो शैतान है। देखें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में एक सहाबी ने एक इंसान के ऊपर हमला किया, ठीक है, और उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, और सहाबी ने उसके ऊपर वार किया और उसको खत्म कर दिया, क्योंकि वो शर और फसाद की जंग थी, ठीक है। और उसने जब ये खत्म हुआ सारा मामला, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आके कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उस आदमी को खत्म कर दिया। क्यों? इसलिए कि मैं समझता था कि वो शर फैला रहा है, वो फसाद फैला रहा है, इसलिए मैंने उसका कला कमा कर दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों तूने ऐसे किया, हालांकि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, फिर भी तूने ऐसे किया? और सहाबी ने जवाब दिया आगे से, या रसूलल्लाह, मैंने इसलिए उसको कत्ल कर दिया क्योंकि उसने शायद डर की वजह से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने उसका दिल चीर के देख लिया था कि उसने अल्लाह के डर से कलमा पढ़ा है या तेरे डर से कलमा पढ़ा है? मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि लोग जो कह रहे हैं उसने वो उमरा नहीं किया, उसने अहराम खोलते ही, देखें इबादत, मौलाना मक्की साहब से किसी बंदे ने सवाल किया कि मैं कैसे मैं पहचान करूंगा कि अल्लाह मुझसे राजी है, तो मौलाना मक्की साहब फरमाने लगे, कितना खूबसूरत और कितना जामे उनका जवाब है। उन्होंने कहा, एक नमाज की अगर तुझे तौफीक हो जाए और दूसरी नमाज की तुझे तलब होने लगे तो इसका मतलब है तेरा रब तुझसे राजी है। अब आप मुझे ये बताएं, क्या यहाँ पे हर इंसान अपने ईमान की यकीन की कसौटी से कैसे गुजरेगा? आप मुझे कोई जवाब दे सकते हैं? मैं अपने आप को कहूंगी मुसलमान हूँ। वो अम देखें, कुरान पाक की कुछ आयत मेरे इस वक्त ज़हन से एकदम से निकल गई है, काश मैं उसको पढ़ सकती। आयत है कि वकालतिल आराब आमन्ना। मैं माजरत में पूरी नहीं पढ़ सकूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइपर हूँ, ठीक है। वकालतिल आराब, मैं अपना यहाँ पे मौकफ रखने आई हूँ। वकालतिल आराब आमन्ना के उसका तर्जमा, ये बड़ी खूबसूरत, ये सूरत आराफ की आयत है या सूरत है, मैं माजरत में फिर एकदम से मेरा दिमाग ना घूम चुका है। रुकिए, गलती में मत, आप गलती में आयत मत पढ़िए। हाँ, आप थोड़ा रुकिए, हाइपर भी मत होइए। नो सिस्टर, अभी आपने आपने जैसा बोले कि वो उमरा करने गए थे, तो वो जो आपने मेरी बात सुनिए ना, मैं जब आपकी बात सुन रही, आपने बोला ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। नूर जी सर, मैं आपने बोला, मैं बात कर रही हूँ कुरान से, मैं कुरान की मिसाल दे रही हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग आए, ठीक है, वकालतिल आराब, जब इराबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने आके कहा कि हम मुसलमान हैं, ठीक है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात पर यकीन कर लिया। एक दफा आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नान नफका लेते, छह महीने की खुराक लेते और जाके बैठते और दूसरी मजलिस में जाके कहते कि हम तो उधर मजाक कर रहे थे, हमें तो बस हम तो सिर्फ राशन पानी के लिए जाते हैं, ठीक है, और ऐसे ही थोड़े अच्छे बाद फिर वापस आ जाते हैं। एक मिनट मरियम, पहले उनका पूरा सुनेंगे, वो भी पेशेंस से सुनेगी, फिर हम उनका सुनेंगे, आप भी पेशेंस से रहेंगी। मैंने जस्ट पूछना है, वही नूर जी हैं जो वहाँ पे बैठे? हाँ, वही है, वही है, वही है, वही है, वही मरियम से पहले इनको सुनेंगे, इनका हम लोग बहुत प्यार से सुनेंगे, हमको ये चीजें खत्म करनी है, फिर हम ये हमारा सुनेंगे। हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम रिस्पेक्ट करेंगे, और ये कभी भी यहाँ से जाके वो नहीं बोलेंगे कि उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है या डिसरिस्पेक्ट किया है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारी क्या चीज है, तो प्लीज कैरी ऑन करें। और मैंने बहुत अहम पॉइंट्स आप लोगों से, आपसे नूर जी डिस्कस करने, तो जरूर आपने मुझे टाइम देना, ठीक है। अच्छा, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से उठ के जाते और दूसरी जगह जाके कहते हम तो सिर्फ राशन पानी लेने के लिए गए थे, और फिर ये आयत, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस मक्कारी और चालाकी को नहीं जानते थे कि सिर्फ ये राशन पानी के लालची हैं, आते हैं राशन पानी लेते हैं और जाके खाते पीते हैं, मेहनत मजदूरी करते नहीं हैं और आके फिर राशन पानी के लिए आके बैठ जाते हैं। जब ऐसे ही वो मैं कुरान पाक, मुझे लगता है मैं बच्चों से मंगवा लूँ तो अच्छा होगा, तो जब मुझे लगता है मैं ना जरा कुरान पाक ले, वही मैं बोल रही हूँ, कुरान पाक की बात कर रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा तहमुल से और रिलैक्स होकर बात करिए।
नहीं यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं, आप कुरान पाक से आयत पढ़ के ना सुनाए यहाँ पर, नहीं इंडियंस तो भी हम इंडियंस जो मुसलमान है यहाँ पे, मैं इंडियन मुस्लिम हूँ और ये जो बोल रही ना हमें भी वो सब चीजों का नॉलेज है, तो अब ये सब चीजें तो पहली बात बोली है, मतलब वो चीज हम लोग यहाँ से भी जितने लोग वहां से जाते हैं हम लोग यहाँ से भी उतने लोग उमरा करने और हज करने माशाल्लाह जाते हैं एक एक साल, इंडिया से बहुत बड़ा कोटा जाता है हज करने और उमरा करने के लिए हर साल। मैं समझती हूँ यहाँ पे जो गन फैलाया जा रहा है ना उस गन को खत्म करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप जरूरी भी गलती पर हो, आप लोग भी गलती पर हो, दोनों साइडें गलती पर हैं, आप लोग भी गलती पर हो, ठीक आप भी नहीं हो। अगर आप ये समझते हैं कि आप ठीक हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी इस्लाह करें, मुझे भी यहाँ पे जो बंदा चाहेगा मैं इस्लाह करने के लिए मैं खुद को पेश करूंगी। मुझे क्या करना चाहिए नूर सिस्टर, उसके लिए क्या करना चाहिए बताइए। हाँ मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ पे जो इतनी बाजारी जुबान इस्तेमाल की जा रही है वो बाजारी जुबान, रुकिए आप सबको नहीं बोल सकते नूर सिस्टर, सुनिए भी कर मुझे उनको बोलना था, मैं पहले 1-2 फिर 1-1 करके। आप इस अगर पैनल पे बहुत लोग बैठे ना तो सबको नहीं, कोई कोई हर तमीज के दायरे में रह के भी बात करता है, तो हम लोग के यहाँ पे जिस पे बोली गई होगी ना बातें वही उनको रिफंड वापस देता है। सब लोग गंदी जबान में नहीं बोलते, और आज तक मैं भी जितनी बार पैनल पे बैठी हूँ ना मैंने किसी के लिए भी एक वर्ड गंदा बोला, मेरे लिए भी कितना गंदा बोला गया है वहाँ पे, जबकि मैंने एक बार भी किसी के लिए नहीं बोला। तो यहाँ पे पहली बार बहुत कम गंदी बातें की जाती है नूर सिस्टर, अगर आप ध्यान से देखो तो मरियम के कुछ जरूरी सवाल है उसको करने दो, उसके बाद हम करेंगे। चलो बोलो मरियम। नूर सिस्टर आपसे मेरे बहुत ज्यादा कंसर्न थे, मैं चाहती थी कि किसी दिन मैं आपसे, मैंने कल की वीडियो में एक आपके लिए स्पेशल रखा था, फिर मुझे लगा कि नहीं आप तक पता नहीं मैसेज जाता है या नहीं, आप नहीं यकीन आएगा तो मैं वो क्लिप लगा दूंगी कि कल मैंने स्पेशली आपके लिए 2-3 पॉइंट्स छोड़े थे, फिर मैंने वो नहीं ऐड किया अपनी वीडियो में, क्योंकि जो गमो गुस्सा मुझे था आपको इस्लाम का पता है। आप हमेशा जब मैं उमरे पे जाती थी आपने हमेशा कहा मौलाना मक्की ने कहा है उनको हदायत नहीं, ये सिर्फ चक्कर लगा रहे हैं। कैसे आप देखे, एक मिनट मैं आपको आपको पॉइंट बोलने को दूंगी। आप जब जब मैं उमरे पे गई आपने तब तब मेरे लिए कहा ये चक्कर लगाने के लिए, ये 2 मरतबा गई इसको हदायत नहीं आई है। आपके सामने एक लेडी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये मुस्लिमा की लाइफ है, मैं किसी भी तरह से किसी का नाम लेके इसकी लाइफ खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि वो औरत इस काबिल नहीं है कि उसका नाम लिया जाए। हम मुसलमान जानते हैं हमारा इस्लाम क्या है, हमारी नीयत क्या है। आप कैसे किसी की नीयत अमल जो सब कुछ है ना वो अल्लाह और उस बंदे के दरमियान होता है, अमल फिर भी लोग देख सकते हैं, नीयत नहीं देख सकते, नीयत सिर्फ उस बंदे और रब के दरमियान होता है। Exactly, मैं इस बात से इत्तफाक करती हूं। दूसरा ये वो औरत बैठ के हमें तवाइफ रंडी उसके नीचे नीचे फारिग करा रही है, कस्टमर है फलानी है टिमकानी है, कभी भी आपने आके उसकी इस्लाह की, आपने उसको कहा कि तुम कैसे नूर सिस्टर आपकी वो अगर वो आपकी बात नहीं मानती है मगर फिर भी आप उसके साथ जाके बैठते हो। आज उसने एक जनाजे की तजलील की है, एक जनाजे को कहा है, आपको देखे आप उसके पास जाके बैठती हैं, आप इस्लाम हमें बताती है ना, मैं आपकी बातों को सुनती हूँ समझती हूँ और फिर मेरे एक सवाल रेज होते हैं कि ये नूर सिस्टर बहुत हदीस सुनाती है इस्लाम बताती है। और एक बात ये कहते हैं हमने जिना को सपोर्ट किया, हमने जिना को सपोर्ट करके हमने जानी में, आप बताएं कि किसी को जानी कहना है ये सवाल का है क्या? हमने आज तक अजहर को जानी बोला, हमने सलमा को जानी बोला, हमने उसके किसी भी बंदों के जो भी उसको सपोर्ट करा उसको जानी बोला। आप लोग उस बंदे को अपने प्लेटफॉर्म पे बिठाते हो, हमने आज तक उस बंदे को भी जानी नहीं कहा, मगर वहां से हमें क्या मिला? रंडी तवाइफ जानी जानी की सपोर्ट करने वाला, तुम कहां मुंह छुपाओगी, तुम्हारी उम्र तुम्हारे मुंह में मारे गए हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि हम ये कौन सा इस्लाम दिखा रहे हैं, हम कौन सी मुसलमानियत दिखा रहे हैं? अगर क्या पहली बात की थी, हमने नहीं कहा सितारा सही है, हमने नहीं कहा सलमा गलत है, हमने कहा घर पे मामला हल करो या कोर्ट जाओ, अगर तुम्हारी बात पैसा चाहिए कोर्ट में जाओ उसको सजा दिल जाओ, हम तुम्हारी सजा देंगे। पूरी रास्ता वो इसने इख्तियार किया, इसने रास्ता इख्तियार किया और आखिर में वाइंड अप किस बात पे हुआ? अम्मी के मुंह पे, ठीक है ना, कोर्ट ना वो, और जलालत किसको सुननी पड़ी? हम लोगों को गंदी गालियां किसको पड़ी है अभी तक हम लोगों को? आज उस वो गंदी औरत जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है उसने बोला कि मरियम जो है उसके साथ वो गोहा जो आप लोग उसकी अपनी बेटी है, उसने बोला वो जो यूके में रहती है जो अपने आप को पता नहीं क्या उसकी समझती है वो उसकी खुदा की कसम टके टके की इनकी औकात है, ये मुझे बोलते हैं कि ये नीचे कस्टमर फारिग कर रही होती है और ऊपर से रिएक्शन दे रही होती है। आप मुझे बताइए किस मुसलमान औरत के साथ मेरी मौजूदगी में कभी भी इस तरह की बात नहीं हुई, मैं जब भी उनको मेरा नीचे मैसेज मरियम एक सवाल करना भूल गई के बिहाफ में सवाल पूछूंगी। मेरे बहुत सारे सवाल है पर ये वाला सवाल मरियम की तरफ से, अभी जो है गोहा ने जो है वो लगाया थंबनेल लगाया कि मरियम की इमरजेंसी डिलीवरी, थोड़ा इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नाम ले रहे हैं ना, मैंने उनको कभी नहीं सुना, मुझे नहीं पता किसकी आप बात कर रहे हैं, और आप उनके साथ चैनल पे बैठी हैं आपको नहीं पता, आपकी बात ठीक है, मैंने आपकी बातें सुनी, मेरी बात आपने जो जो बातें बोली इस्लामिक वेस्ट
आपने जो जो भी बात बोली इस्लामिक वैसे आपने बिल्कुल ठीक बोली, हमें ये गाली गलोच नहीं करनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि ज्यादा गंदगी आप लोगों की तरफ से उछाली गई है? मेरी जब भी मेरे साथ जब भी बात होती है ना मेरी मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसी मौजूदगी में मुझे बोलने दो, आपकी मौजूदगी में अगर वो नहीं बोल रहे तो आप हमारी लाइफ समझ रहे हैं बोल रही है कि उम्र नहीं मेरी बात आपने नहीं सुनी। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी आप तो बात ही नहीं करने दे रहे, आप तो बात नहीं करने दे रहे, मेरी बात सुने। मैंने कहा कि मेरी मौजूदगी में जिसका आप नाम ले रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुझे उसका पता नहीं, जहां तक ऑस्ट्रेलिया वाली सिस्टम की बात कर रही है, मैंने उनको मेरी मौजूदगी में कभी भी बदजुबानी उन्होंने नहीं की। मेरा जो इंजीनियर इस्लाम था खामोश हो गया, आपको इंस्टाग्राम में मैं आपको भेज रही हूं, मेरे मरे में बाप को दल्ला कहा गया, मेरे मरे में बाप को खुदकुशी का कहा गया, मेरे मरे में बाप मैंने हमेशा उनको भी मना किया कि आप बदजुबानी ना करें, गलत जुबान इस्तेमाल ना करें, मैंने हमेशा उनको मना किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वहाँ पे इज्जत की जाती है और मुझे इस बात का मेरा लिहाज किया जाता है। ठीक है, आप ये कैसा बंद होगा, कैसा बंद होगा चाचा, बंद आप लोग आप भी करेंगे तो दोनों साइडों से बंद होगा। बेशक आप बताइए टॉपिक को बंद कैसा करें, तो ये वही मुनाफिक मुसलमानों की तरह जो आपने मिसाल दी है कि आप जब होते हैं तो तब वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप नहीं होती है तो तब वो उसी तरह से गंदी जबान यूज करते, फिर तो फिर वो यही मुनाफिक मुसलमानों की जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ ना, फिर वो आपकी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट वो होती है कि आज आपने जो बात हमें समझाई है अगर नेक्स्ट टाइम हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे ना और हम करते हैं, मैं आपकी हदीसें सुनती हूँ, अगर मुझे सिर्फ आपके सवाल के होते, आप ही वो थी जिसने मेरे लिए बोला था कि ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, मौलाना मकी ने कहा है कि वो उमरों के चक्कर लगाते हैं, मगर उनका आपको कैसे पता कि मैंने उमरे का चक्कर लगाया है, मेरा उमरा कबूल नहीं हुआ, बताएं आपको कैसे पता चला? देखिए हदीस है इन्नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर होता है, जब आप जाते हैं आप जाके पर जाके दुआएं करते हैं। तो रही बात वो अजर का, उनका समझ में आया आपको? ठीक है जी, सॉरी क्या होता है मुस्लिम बच्चे हर उमरा अनजानी सही ना, मैं हरगिज, मैं देखें मैं किसी की भी बात, मैं किसी की यहाँ पे ईमान की कसौटी मैं किसी को नहीं परख सकती, आपकी ईमान की कसौटी आपके पास है, मेरे पास है। लेकिन आप तो आते साथी मुस्लिम के पैनल को जो है ब्लेम करने लगी कि यहाँ पे जो है उम्र की तस्लील की जा रही है, मेरे ख्याल से थोड़ा आपकी हर बार ठीक है, हम एग्री करने को तैयार है कि हम इस चीज को बंद कर दे, ठीक है, लेकिन थोड़ा आप वहाँ पे भी नजरसानी करिए कि आपके पैनल पे बैठे किस तरह की बातें की जाती है, थोड़ा आप वहाँ पे जाके ये सारी बातें करें। मैं कुछ दिनों से वहाँ भी नहीं जा रही, ठीक है, कुछ दिन हो गए हैं। फिर हम डाउन देयर लिसन नोट टू द व्लॉग सिस्टर, नूर जी नूर सिस्टर, मेरी बात नहीं, सबसे पहले आप ही वो इंसान थी कि बकार के साथ तैयबा को जोड़ा गया था, आपने जोड़ा था, ये बात याद रखिएगा। वो कौन है, किसका किसको जोड़ा था मैंने? तैयबा को बकार के साथ आपने जोड़ा था, आप बोल रही थी, वो कौन है, कौन मतलब कौन है, मुझे मुझे बैक करो, तैयबा को बकार के साथ आप लोगों ने जोड़ा, ये देखें कि बातें जरा सुने, इल्जामात उसके बच्चों पर लगाते हैं, सच का रस था ये, बिल्कुल आप गलत बात कर रही हैं, मैंने किसी को नहीं जोड़ा और ना ही मुझे अल्लाह ताला किसी को जोड़ा था, मैं बिल्कुल भी नहीं जोड़ा, मेरी अपनी तीन बेटियां, अगर मैं किसी के हाँ मैं अगर मैं किसी की बच्ची को जोड़ू, आपके साथ अगर क्रॉस क्वेश्चन करें तो आप बोलती हैं मैं चली जाऊंगी, आप बात ही करिए, अगर आपके साथ क्रॉस क्वेश्चन करें तो आप कहती तैयबा कौन है, बकार कौन है, यार नूर सिस्टर से हमने ये पूछना है कि नूर सिस्टर इस्लाम में मुझे बताएं कि किसी का गुनाह, मुझे तैयबा वाली बात करने की इजाजत है मेरे पर, मुझे बताएं, मैं तैयबा वाली बात क्लियर करने दें मुझे, ठीक है, मैंने तैयबा वाली बात बिल्कुल नहीं की, मेरे ऊपर इल्जाम और आप गलत बात करेंगे, आपने बात की आयत के बारे में, बात किया वो बताओ, क्या बात की है, बात मैंने क्या किया वो बताओ, बात मैंने किया वो बताओ ना, वो बात बताओ, मैंने भुगतान लगा दिया आपने, मरियम मुझे बताओ, मैंने भुगतान आप लगाती हैं, आप भुगतान लगाती हैं, इस्लाम कार्ड खेलती है, भुगतान आप लगाती हैं, हमें कोई शौक नहीं भुगतान लगाने का, आप भुगतान लगाती हैं और हम उस भुगतान को धोने के लिए आ जाते हैं, आप इल्जाम लगाती हैं, हमारी हमारी टीम आगे आपको धोती है, रहने दीजिए, रहने दीजिए, इस्लाम कार्ड बोल रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं आप, सर से लेके पावर सूट का पुतला है आप, वो औरत है आप, वो औरत है, आपने डॉली की सारी पिक्चर वायरल की है, आप इस्लाम की बातें कर रही हैं, पहले आप खुद को इस्लाम सिखाइए, ठीक है मरियम, मरियम जी 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 नूर से बताओ ये सही कह रही है, मैंने उसकी पिक्चर रिलीज की है, मैंने की वायरल की है, ये मेरे ऊपर ठीक बात कर रही है, बल्कि बताओ मुझे, नो सिस्टर मैंने सुना नहीं, मैंने म्यूट करके मैं कमरे से बाहर थी, बताएं क्या हुआ बात, ये कह रही है कि मैंने डॉली की पिक्चर मैंने रिलीज की है और मैंने आपने हयात ने मिलके दोनों ने मिलके किया, आपकी पूरी टीम ये काम करती है, आप यहां पे आते हैं जान पड़ रही है, मैं कौन हूं, आप मेरे बारे में जानती हैं, बहुत अच्छी से जानती हूं मैं आपको, बहुत अच्छी से जानती हूं, मैं सबको जानती हूं, सॉरी नूर सिस्टर यू कम हियर एंड प्रीच अबाउट इस्लाम या यू कम हियर एंड कोट अबाउट द कुरान, that's all fine, we're all Muslims and I understand the Quran very well, let me speak, hold on, hold on, Maryam, मतलब एक मिनट दिखा दो बोलने दो, hold on, you come here and preach about Islam to us,
You need to preach about Islam to those haters that you sit with. And mujhe how Islam, do you preach mujhe, about? Hold on, let me finish. For someone can translate because I don't speak Urdu. But hold on, I can understand. But you come here and preach about Islam to us. You need to go and preach about Islam to Zohar, Mohas and all those people. But the means, they're so rude. Look at how they talk about pictures, that they talk about the children and everything. You're part of that group. So how can you come and preach to us? We haven't put no pictures of people. We haven't put rude pictures of people. We haven't said that, oh, Waqar raped that table or anything. At the end of the day, you're talking about Islam to us, right? You are sitting in a haters group that spreads filth, and you're preaching about Islam. If you are proper Muslim and following Aqidah and Sunnah and Quran, you would not even be in that group. You would not be sitting in that group. अगर आप हमें इस्लाम की तरगीब देने आई हैं, इस्लाह करने आई हैं आप हमारी, तो आपको सबसे पहले वहाँ की जो औरतें हैं उनको ये वाली बात समझानी चाहिए, जो बच्चों पे बात करते हैं, जो पिक्चर्स को बना के वो वायरल करते हैं और जो जातियात पे बात करते हैं, आप उन लोगों को क्यों नहीं समझाती हैं? और अगर आप वाकई ही सुन्नत को और इस्लाम को और एज अ मुस्लिम आपको हर चीज पता है कि इस्लाम में क्या चीज कैसे है, तो आपको उस ग्रुप में ही नहीं होना चाहिए, आपको फिर बीच का रास्ता इख्तियार, यानी कि अगर आप प्रॉपर मुसलमान हैं और आपको इस्लाम का प्रॉपर पता है और कैसे कौन क्या करता है इस्लाम के हर बारीकी का पता है, तो आपको उस ग्रुप का पार्ट ही नहीं होना चाहिए था। ये भी खान का सवाल था। अब यहाँ पे मैं आपको एक सवाल नूर सिस्टर, प्लीज आप बिल्कुल इस्लाम के तौर पे कि हमारा इस्लाम क्या कहता है, नूर सिस्टर प्लीज इस बात को वाजिया करें ताकि यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएंगी मेरी इस बात के बाद। मुझे ये बताएं, इस्लाम में जो इंसाफ लेने के लिए आई थी उसकी सजा, उसकी जो गुनाह है वो गुनाह जो है इस्लाम में, इसकी सजा क्या है? और अगर इसकी सजा ही दिलवानी है तो वो क्या वाइटी ही जगह थी? क्या सपोर्टर्स गलत बोल रहे थे? सपोर्टर्स ने तो कहा ही नहीं है कि तुम गलत हो, सपोर्टर ने कहा कि तुम सही होगी, तुम्हें चाहिए कि घर में मसला हल करो या तुम जाके कोर्ट जाके मसले को हल करो। वाइटी पे क्या हुआ आप मुझे ये बताएं। और इस्लाम में ये लोग बोलते हैं आप लोगों को सब कुछ पता था, आप लोग जानी का साथ देके जनाकार हो, ये वहां की पब्लिक बोलती है हम लोगों को। आप कि हम क्या जनाकार हैं? कितना गंदा बोला गया उस दिन लाइफ चैनल भी नहीं है, कितनी गलत है। और एक इस्लाम को जानती है, जब इन्होंने मेरी पिक्चर बेबो को देखी, मेरी पिक्चर वाले की, उस वक्त कहां था इस्लाम? क्यों आपने नहीं रोका? क्यों लड़कियों की इज्जत उछाली गई? इंस्टाग्राम पे हर जगह औरतों की तस्वीर हुई है, यहाँ वाईटी पे नहीं लगा रहे ताकि चैनल ना उड़ जाए। कितने लोगों की वीडियो हमने उड़वाई है, किस किस की वीडियो हम उड़ाए, किस किस को रोके? वाईटी पे किसी की पिक्चर वायरल करना क्या आपको लगता है इस्लाम में जायज है? आप अच्छी तरह से जानती है कि इस्लाम में इसकी कितनी बड़ी सजा है। मैं तो किसी को भी नहीं बख्शूंगी, जिस जिसने भी मेरी पिक्चर वायरल की है रोजे मैशर में उसका गरेबान पकड़ के ना उसको दोजख की आग में धकेलूंगी। मैं माफ नहीं करूंगी उस बंदे को। और जो बंदा यहाँ पे पर्दा नहीं करता उसकी भी पिक्चर लगाना अलाउड नहीं है, आप उसको भी नहीं कर सकते। नौशीन की कितनी गंदगी उन्होंने की है, मरियम की किस तरह की है, उस औरत ने 8 साल पहले तौबा कर ली। आप जानती है जब कोई गुनाहगार बंदा तौबा की तरफ आता है तो उसका दर्जा कितना बुलंद होता है इस्लाम में? आप इसका जवाब मुझे दे, क्यों नौशीन को इतना जलील किया गया? क्यों मरियम को पूरा नहीं किया किसी के चैनल से उठा के? मुझे चाहिए आप बताइए, मुझे बताएं आप मेरी ही बात।